मेरा एटीएम खो गया वो मशहूरी क्या था ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी हम खड़े हैं नोएडा में सेक्टर 18। आज हम खाने आ रखे हैं सोया चाप, और जो यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं उन्हीं के पास। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ऐसा चाप नोएडा में क्या दिल्ली में कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं एक बार। अगर भैया के पास पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। सुरेंद्र शर्मा, तो आप ये कब से लगा रहे हो? हम सर 10 साल से लगा रहे हैं। 10 साल से लगा रहे हो। सबसे ज़्यादा आपके यहाँ क्या बिकता है? सबसे ज़्यादा मलाई चाप, दूसरा में मसाला चाप, बाकी फ्लेवर सर लेमन चाप होते हैं, अचारी चाप होते हैं, पुदीना चाप होते हैं, अफगानी चाप होते हैं, पनीर टिक्का होते हैं, रुमाली रोटी होता है, ये सारे होते हैं। मतलब काफ़ी सारा आइटम, बहुत सारा आइटम का, ठीक है। तो आजकल धंधा पानी कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा सर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। हम भी काफ़ी टाइम से खा रहे हैं यहाँ पे, जैसे भैया ने बताया कि 10 साल हो गए इन्हें यहाँ पे लगाते लगाते, ठीक है। तो दूर दूर से लोग आते होंगे आपके पास? सर दूर दूर से लोग आते हैं, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये लोकल जितने भी मार्केट हैं, 19-20 सेक्टर, जितने सारे लोग हैं आते हैं। पुराने कस्टमर होंगे, 5-6 बजे स्टार्ट करते हैं, तो अभी लोग इतने हैं नहीं, बट धीरे धीरे मैं आपसे लोगों से भी पूछेंगे कि भैया के चाप कैसे होते, क्योंकि हमें तो पता ही है, पर लोगों से भी हम रिव्यू लेंगे कि कैसे होते भैया के चाप। क्या बात है सर, सिस्टम हो जाता है ना, जैसे मान लो मंगलवार ज्यादा रस हो गया तो बुधवार थोड़ा कम पड़ता है, शनिवार इतवार रस होता है तो सोमवार को कम पड़ता है मार्केट में। इस तरह से मार्केटिंग का जो हिसाब होता है, खाने पीना जो होता है वो चलता है। तो लेकिन आप तो पूरा वेजिटेरियन देते हो? बिल्कुल वेजिटेरियन देते सर, लेकिन लोगों के पास ना बजट के हिसाब से जो रस करते हैं, शनिवार थोड़ा खर्च ज्यादा, वो मंडे को उनका ऑफिस, मतलब वीकेंड में ज्यादा रहता है, जाते हैं फिर थोड़ा कम करते हैं। तो कम कब होता है आपका? कम ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आधा आधा हो जाए, ऐसा नहीं होता, 19-20 का फर्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा कब होती है? सबसे ज़्यादा सर शनिवार तौर पर मार्केटिंग होती है, कोई छुट्टी दिन पड़ गया, कोई त्यौहार पड़ गया, इस तरह से होता है मार्केटिंग। अच्छा, बाकी हमारा लाजवाब तो है, मलाई चाप ही है, मसालेदार है, मसाला चाप है, इधर सारे फ्लेवर सर जो जैसे लोग खाते हैं वैसे हमको पसंद है वैसा बनाते हैं, मन पसंद का भी आइटम बन जाते हैं, जो बोल जाए पंजाबी बना दो, सनी लियोन बना दो, ऐसा करके बताते हैं चाप, ऐसा उनको उनके बन जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप मानोगे नहीं कि हम, मैं तो बेसिकली देहरादून से हूँ, ठीक है, अब नोएडा में भी घर है हमारा, देहरादून में तो इस तरीके मतलब मिलता है चाप, बट क्वालिटी ये नहीं है वो अलग, जैसे आप अंगारों में बनाते हो ना, जैसे भट्टी में, वो भट्टी में तंदूर में बनाते हैं, तो उनका इतना नहीं आता, टेस्ट नहीं होता उनका। कोयले का जो असू तो सर हल्का आँच होता है ना, उससे ज़्यादा टेस्ट थोड़ा ये बन जाता है। अच्छा, तंदूर के आइटम मेरे भी दुकान और सारे हैं, लेकिन वहाँ पे तंदूर का आइटम का तंदूर का जैसा स्वाद होता है, अंगीठी है इसका, स्मोकिंग धीरे धीरे होता है तो ज़्यादा स्वाद बनता है इसका। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि स्मोकिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, स्मोक की वजह से अच्छा हो जाता है। अच्छा जाता है, खुले में होता है ना, अच्छा मिलता है सर। कोई भी कुकर का आलू उबाल लो तो सर वो बिल्कुल गीला गीला तो होता है, कढ़ाई में उबालो तो बिल्कुल फ्रेश निकलता है आलू, ऐसा होता है इसमें। तो अभी थोड़े से लोग आ जाए, थोड़ा जैसे जैसे रात होती रहती है लोगों का मूड बनता रहता है कि हाँ कुछ चटपटा खा लें। खड़े हैं उनसे पूछते हैं कि क्या टेस्ट है यहाँ का, थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। भाई कब से खा रहे हो आप यहाँ पे? 5 साल से यहाँ खा रहा हूँ। 5 साल से खा रहे हैं? ज़्यादातर क्या खाते हो आप यहाँ? सोया चाप, मलाई चाप, यहाँ पे रोस्टेड चाप वगैरह खाता हूँ। अच्छा, और भाई आप कब से खा रहे हो? मैं तो अभी यहाँ नया शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, घूमने आए हो। तो आपका नाम क्या भाई? अमन। अमन, और भाई आपका? विकास। बहुत पसीना आ रहा है दूर तक, पसीना आता ही है। तो अच्छा, अभी यहाँ जाए तो मलाई चाप खाते हैं। हाँ, यहाँ का बहुत फेमस है पूरे दिल्ली NCR का। हाँ, वो तो मुझे पता ही है, यहाँ का टेस्ट कहीं मिलेगा ही नहीं। मैं खुद देहरादून से हूँ, मुझे देहरादून में कुछ मिलता ही नहीं है इस तरह का आइटम, तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है। मिलेगा भी तो आपको ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। देहरादून गया था मैं, वहाँ मेरा ATM खो गया वो मशहूरी गया था ना। अच्छा अच्छा, वहाँ रुका था देहरादून में ही मैं। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे भी मिलते हैं, मतलब चीज़ें वहाँ की फेमस है, बट जो चीज़ यहाँ पे दिल्ली और नोएडा में जो चीज़ मिलती है स्ट्रीट फूड, तो स्ट्रीट फूड के लिए फेमस ही है दिल्ली NCR पूरा स्ट्रीट फूड के लिए। पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप चाप कहाँ का खाना, तो आप क्या बोलोगे? अट्टा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यहाँ का आंटी मोमोज भी बहुत फेमस है, इनका चाप फेमस है, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे स्ट्रीट फूड के लिए, तो मुझे लगता है इससे पूरा हब ही है, पूरा हब बना रखा है स्ट्रीट फूड का, होगा ही नहीं स्ट्रीट फूड। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे रिव्यू दिए है भाई ने, ठीक है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हब टाइप बना रखा है इन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन आज हम इसी चीज़ को कवर करना चाहते हैं क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत टाइम से मैं भी खाता हूँ, तो मैंने सोचा ज़रा ब्लॉग बना दिया जाए। चलो थैंक यू भाई। थैंक यू। में क्या क्या डालते हो आप? धनिया, पुदीना, काजू बादाम और भी बहुत। अच्छा, काजू बादाम भी भाई साहब? पूरा हेल्दी चटनी है, पूरी हेल्दी है। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। टेस्ट तभी इतना अच्छा आता है। है? आ जाओ भाई से भी थोड़ा सा ले ले। नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा शर्मा रहे इसलिए। कि आपकी टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग सर 5 बजे लगाते हैं, रात को 11 बजे तक। अच्छा, 11 बजे तक रहता है? ठीक है। और 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है? 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो संडे भी लगाते हो? हाँ बिल्कुल सर, मतलब सातों दिन लगाते हैं। तो ये आप ही का है? हाँ, ये दुकान मेरा है, आप ही की दुकान। पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्या बोलते हैं, बेसिकली कहाँ से? हम लोग झारखंड से रहने वाले हैं। झारखंड से, तो यहाँ पे यहीं आसपास रहते हो आप? हाँ, हम लोग रहते हैं बगल में। अच्छा अच्छा, झारखंड से आप? तो आपको 10 साल हुए हैं, उससे पहले आ गए थे आप दिल्ली? नहीं, 10 साल हो गए हाँ इस चाप को काम करते हुए। उससे पहले कुछ दिल्ली में थे हम लोग? कुछ और काम करते हो? हाँ, वो आइसक्रीम बेचते थे उसके पहले हम लोग। अच्छा, तो मतलब ये है कि ये वाला काम बढ़िया सूट करिए। दो और भैया हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि भैया आप कब से ये खा रहे हो यहाँ पे चाप? लास्ट वन ईयर से। तो अब यहाँ पे लोकल आई तो कहीं बाहर? लोकल सही है, लोकल ही है, बट ग्रेटर नोएडा रहता है। ग्रेटर नोएडा रहता है। तो कैसा टेस्ट है आप, क्या रेट, कितनी रेटिंग करेंगे? 5 में से 5 रेटिंग है इसका, कोई तोड़ नहीं है? रेट भी ठीक है, जेन्युइन रेट है, जेन्युइन रेट है, और टेस्ट भी सही है। थैंक यू। इसके टक्कर में कोई है यहाँ आसपास में? तो नहीं यहाँ आसपास में, मुझे तो कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, और रीजनेबल भी है और टेस्ट भी है, टेस्ट के हिसाब से। आपका नाम क्या भैया? गौरव। थैंक यू भाई बात करने के लिए। थैंक यू। खा के देखते हैं, वैसे तो हमने खा ही रखा है, अच्छा ही होता भाई। ये कि अगर आप इधर आएंगे तो आपका मूड ख़राब नहीं होगा। मगर एक बार खा लिया तो ज़रूर आपका मूड बन जाएगा। आपका मूड ख़राब है, बीवी से लड़ाई है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई है, घर में लड़ाई है, तो आप ये खाइए, सारा मूड ठीक हो जाए, घर में ले जाइए, उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। गाइस, आज को व्लॉग हम यही एंड करते हैं, नोएडा आके ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बट एक व्लॉग आपको दे दिया। लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।